हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट फोर्थ का सी पार्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है आपके पास वो क्या है, ट्रांसफार्मर। तो देखो ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। देखो ये स्टेप अप का मतलब क्या होता है, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहोगे तो वो हो जाएंगे स्टेप अप, और अगर आप वोल्टेज को घटाना चाहोगे तो स्टेप डाउन। समझ रहे हो इस बात को, जैसे कई जगह आपको क्या है ज़रूरत पड़ेगी कम वोल्टेज की और आपके पास वोल्टेज है ज़्यादा, तो आपको वोल्टेज कम करनी है अपने डिवाइस को चलाने के लिए, तो वहाँ पर आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। अब मैं बताऊँगा ये स्टेप डाउन कैसे होते हैं और स्टेप अप कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन चाहिए क्योंकि जिसमें वोल्टेज आपको कम करनी है, और जहाँ पर वोल्टेज कम है आपके पास और आपको ऐसा डिवाइस चलाना है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर कौन से यूज़ होंगे आपके पास, बताओ, स्टेप अप। कौन से यूज़ होंगे, स्टेप अप, क्योंकि आप वोल्टेज को ज़्यादा करना चाहते हो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आप सभी को पता है किसका पार्ट है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें आपके पास सेल्फ इंडक्शन भी आता था और एक म्यूचुअल इंडक्शन भी आता था, वो सब आपको पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम इसको बनाते हैं सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर को, तो देखो ज़रा इस तरीके से बनाओगे आप इसको, जैसे पहले हम क्यूब बनाते हैं ना एक, उस तरीके से आपको बनाना है ये, ठीक है। क्यूब आपको पता है किस तरीके से बनता है, इस तरीके से आप इसको बनाओगे, ठीक है। और ये लाइन इस तरीके से मिलाओगे यहाँ पर, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाली ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमें ये लैमिनेटेड कोर्स बनानी, तो लैमिनेटेड कोर्स कैसे बनाओगे, देखो जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना, ठीक है, ठीक। और यहाँ से ये इधर 1 और ये 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, ठीक है। और फिर यहाँ से भी आप यहाँ से ले लेते हैं 1, ये रहा 2 और ये रही 3rd लाइन और ये रही इसमें 4th लाइन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कई सारे रेक्टेंगुलर फ्रेम्स हैं वो हमने जोड़ दिए, ठीक है। और यही हमारे क्या होते हैं, लैमिनेटेड कोर्स होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला को भी मिला देते हैं, अब यहाँ पर हम इससे मिला देते हैं, ये वाला इससे, ये वाला आगे, ये बड़े ढंग से बनाना है आपको डायग्राम। देखो अगर डायग्राम आपका ढंग से बन गया है ना पेपर में तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास बन गया लैमिनेटेड कोर्स रेक्टेंगुलर फ्रेम की तरह, ठीक है, हमने इसको जोड़ा है। और यहाँ पर देखो क्या होगा आपके पास, ये वाइंडिंग जो होगी आपके पास ये हो जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज हो गई यहाँ से, ठीक। और इस साइड हम लगाते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। और ये जो लेंगे हम किसी लोड के क्रॉस लेंगे, ठीक है, कोई अप्लायंसेस लगा देंगे कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम लोड बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, आप इसको समझ लेना, कोई भी यहाँ पर हमने अपना अप्लायंसेस लगा दिया जिसके क्रॉस हमें चाहिए वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी, आउटपुट वोल्टेज। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम लिख देते हैं यहाँ P1 P2। और ये वाली होती है आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको S1 और S2 से हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के, इसको हम लिखते हैं NP से, और इसमें सेकेंडरी में जो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसको हम बोलते हैं NS, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो यही सब बातें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया, देख लो एक बार पढ़ लो। क्या कहता है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर इज एज शॉन इन द फिगर एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स। लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स हैं ये जो हमने रेक्टेंगुलर बनाई है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग्स, वन इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2 और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है हमारे पास, S1 और S2, क्लियर। NP एंड NS क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, यानी कि NP क्या है प्राइमरी वाले नंबर ऑफ टर्न्स हैं और NS क्या है सेकेंडरी वाले नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितनी बात क्लियर है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था कि AC इनपुट जो होती है वो हम किस में देते हैं, प्राइमरी में, प्राइमरी वाइंडिंग, एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द
सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस जो कि हमने लिखा है RL। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो थोड़ी सी मैं आपको ये बात बताता हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन की, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर मैं ये एक पेज ले रहा हूँ, ठीक है, इस पर समझना ये रफ वर्क, ठीक। देखो जैसे जैसे ये मैंने ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से बनाया था क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपसे ये चीज़ नहीं बनती है तो ऐसे भी बना लिया करो। देखो ये सिंपल सा एक ट्रांसफॉर्मर बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिससे ये ना बने तो वो ऐसे बना सकता है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम्स की इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गई कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये वाली कौन सी होगी आपके पास, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी के अक्रॉस इनपुट और इसके अक्रॉस क्या होगा आपके पास, लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या होती है हमारे पास, आउटपुट होती है। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से भी आप ये बना सकते हो ट्रांसफॉर्मर, जिससे ये ना बने। इससे थोड़ी लुक अच्छी आ जाती है, ठीक है। इसलिए ये प्रेफर करना, अगर ना बन रहा हो ये आपसे बहुत ही जल्दी हो, आपके पास टाइम कम है पेपर में, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये बचा आपका करना, तो आप फिर इस तरीके से बना दिया करो, बड़ा टाइम बचेगा आपका, ठीक है, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं ये स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो जो ये नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी में होते हैं NP और सेकेंडरी में कौन से होते हैं NS, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लो स्टेप अप बनाना है, आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके सेकेंडरी के, वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे किससे, प्राइमरी वाली नंबर ऑफ टर्न्स से। तो देखो कैसे बना सकते हैं हम ये वाला ट्रांसफॉर्मर। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, समझ रहे होंगे क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। देखो प्राइमरी में मान लो ये मैंने कितने टर्न्स दिए, 3 टर्न्स दिए इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी, और ये हमने दी इनपुट, ठीक है। तो ये है NP। अब यहाँ पर सेकेंडरी में ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या करो, ज़्यादा कर दो, तो इससे क्या होगा, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, समझ रहे हो। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, दैट इज़ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लोड लग जाता है, और ये जो वोल्टेज होती है कौन सी है आपके पास, आउटपुट वाली है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही आप स्टेप डाउन बना सकते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज आपको कम चाहिए, तो उसमें क्या होगा, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कम रखने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसी तरीके से बना देंगे ट्रांसफॉर्मर हम। देखो वैसे तो ये कितना जल्दी बन रहा है ना इस तरीके से अगर बना रहे हैं तो, ठीक है। देखो प्राइमरी में हमें ज़्यादा रखने हैं, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ये देखो मैंने ज़्यादा रख दिए, ठीक। ये हो गई हमारी प्राइमरी वाली इनपुट, और यहाँ से आएगी हमारे पास आउटपुट। तो आउटपुट में अब क्या चाहिए हमें, स्टेप डाउन चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और ये लोड, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ये आ गई हमारे पास आउटपुट। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ, समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो ये ट्रांसफॉर्मर आपके घरों के बाहर रखे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो कौन से ट्रांसफॉर्मर होंगे बताओ ज़रा, कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये होते हैं आपके पास स्टेप अप, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ा के देते हैं आपको आगे, समझ रहे होंगे ये चीज़, ठीक है। क्लियर हो रही है कहानी, तो ये चीज़ समझ में आई, स्टेप डाउन क्या है, स्टेप अप क्या है। स्टेप अप पे क्या होता है आपके पास वोल्टेज बढ़ती है, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटती है, ठीक है। दोनों का यूज़ है, कई जगह हमारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें वोल्टेज कम चाहिए तो फिर यहाँ स्टेप डाउन लगते हैं, और जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पर स्टेप अप यूज़ होते हैं। क्लियर है इतनी बात, आ रही है समझ में कहानी या नहीं आ रही है बताओ। और ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं कई जगह दोनों भी यूज़ होते हैं, स्टेप अप भी स्टेप डाउन भी, उनको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। जहाँ पर अगर कम आई वोल्टेज तो ज़्यादा कर दे, और ज़्यादा आई है वोल्टेज तो वो कम कर दे। मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे मान लो घर में हमें 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना, तो हमने अगर वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है तो उसमें स्टेप अप भी होगा ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन भी होगा। अगर पीछे से वोल्टेज 220 से ज़्यादा आ गई तो उसको कम करना है, उसको तो 220 पे लेके आना है, तो कौन सा यूज़ होगा, स्टेप डाउन। और अगर पीछे से वोल्टेज कम है और उसे ज़्यादा करनी है 220 तक लेके आनी है तो स्टेप अप। तो वोल्टेज रेगुलेटर में फिर दोनों यूज़ होते हैं। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कहानी की क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वर्किंग की बात कर लेते हैं हम। देखो वर्किंग क्या है इसकी, देखो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है, जब आप यहाँ पर इनपुट दोगे तो ऑब्वियसली इसमें एक करंट जाएगा, प्राइमरी करंट। तो ये जो प्राइमरी करंट जब इसमें जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सीधी सी बात है जब करंट आ रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी इनपुट AC होगी हमारे पास तो वोल्ट जो ये हमारे करंट होगा ये एकदम से ना तो बढ़ता है और ना ही एकदम से घटता है, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही घटता है। तो उसमें क्या होगा, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फिर
ज़्यादा होगा, चेंज हो रहा है मतलब वो, ठीक है ना। और धीरे धीरे करंट जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज होता है तो एक EMF इंड्यूस होता है, तो यहाँ पर एक EMF तो इसके अपने अंदर ही इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, आपके पास इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी EMF। और जो यहाँ फ्लक्स चेंज हो रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही थी, वो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ भी लिंक करेंगी, बहुत पास में ही आई है क्योंकि, तो इसके साथ भी लिंक करेंगे। और इधर भी फ्लक्स चेंज हो रही है तो यानी कि इधर भी फ्लक्स चेंज होगी जो इसके साथ लिंक करेगी। और जब इसके साथ फ्लक्स यहाँ चेंज हो रही है और लिंक कर रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF कौन सा होगा, हमारा सेकेंडरी वाला होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और वही हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज आती है। यही सब बातें यहाँ वर्किंग में लिखी हुई हैं, चाहे इसे पढ़ लो। देखो क्या कहते हैं, व्हेन AC इनपुट इज गिवन टू द प्राइमरी, करंट इन द प्राइमरी चेंजेस, चेंज होता है करंट, ठीक है, ड्यू टू विच फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, समझ रहे हो, ड्यू टू विच फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, चेंज होएगी जिसकी वजह से फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स EMF विल इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड द प्राइमरी EMF, EP से लिख रहे हैं हम इसको। एंड क्या लिख रहा है, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, सेम फ्लक्स लिंक करेगी किससे, यहाँ पर सेकेंडरी से, यही सब यहाँ लिख रखा है, फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी या लिंक टू द सेकेंडरी, एंड हेंस ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स द EMF विल इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, सेकेंडरी EMF। क्या इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया इतना? अब देखो आपको फैराडे सेकेंड लॉ से ये चीज़ें भी पता हैं कि EMF जो इंड्यूस होता है वो क्या होता है, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास तो n लिखते हैं, और एक माइनस भी आता था लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ माइनस लिख रहे हैं। आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जो EMF इंड्यूस्ड होता है इसमें वो क्या करता है, अपोज करता है अपने प्रोडक्शन के कोर्स को, ठीक है। ये सब आपको पता है, ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को बातें, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नाउ वी नो, ये हमें पता है। और अगर ये चीज़ हमें पता है, अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं इसमें, प्राइमरी EMF की, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी के ही लेंगे, NP लेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखेंगे, d∅dt लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली हम अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में ES आ जाएगा इसकी जगह, और N की जगह आ जाएगा यहाँ पर NS, और ये भी आ जाएगा d∅dt। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकलेगी जो कि बहुत यूज होगी आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, डिवाइड करना है सेकेंड बाई फर्स्ट से, तो ES बाई EP हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला हो जाएगा देखो NS d∅dt अपॉन में NP और d∅dt। तो d∅dt तो इससे कैंसिल हो गया, या नहीं बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर ये बच गया ES/EP इज इक्वल टू में NS/NP, और जो कि हम इसको लिख देंगे K के इक्वल। और यहाँ पर K क्या है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये निकालने के लिए आ भी जाती है कई बार न्यूमेरिकल में, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो आपको देखना है क्या चीज़ गिवन है, किस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। बाकी और भी बहुत कुछ होगा जो न्यूमेरिकल में आपको पता चलेगा इसका बड़ा यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब ये एक चीज़ किसी और के भी इक्वल हो सकती है आपके पास, ठीक है। देखो कैसे, पावर आपको पता है क्या होती है, VI, और यहाँ पर EMF है तो EI हो सकता है, ठीक है। तो मैं प्राइमरी की और सेकेंडरी की पावर इक्वेट करता हूँ यहाँ पर। देखो प्राइमरी की जो पावर होगी और सेकेंडरी की, वो कैसे लिखेंगे हम, अगर हम सेकेंडरी की लिखें तो ES/IS, सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का EMF इक्वल टू प्राइमरी का EMF और प्राइमरी का ही करंट, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो ES/EP अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा IP/IS, और ES/EP भी किसके इक्वल है, देख लो यहाँ से K के इक्वल है। तो यानी कि देखो एक तो ये हो गई ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक, और एक ये भी हो गई आपके पास, समझ रहे हो। वैसे तो देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात है वो भी सेकेंडरी वाले ऊपर हैं, और EMF की बात करें तो सेकेंडरी वाला ऊपर है, लेकिन अगर करंट में कुछ गिवन हो तो करंट में आप याद रखना ये प्राइमरी का करंट ऊपर आएगा और सेकेंडरी का करंट नीचे आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ से। ये सब कुछ पार्ट जो है आपका बहुत यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, तो ये बड़ा ध्यान से समझो कि क्या है, क्लियर है इतनी बात है, सिंपल ही, कुछ भी मुश्किल थोड़ी है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा इसका कुछ स्पेशल केस करते हैं हम यहाँ पर, स्पेशल केस करते हैं। देखो पहला करते हैं इसमें, अगर ये जो K है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ये ग्रेटर देन वन हो। देखो ये ग्रेटर देन वन कब हो सकती है, देखो अगर मैं ये कहूँ कि NS ज़्यादा रहे और NP कम रहे तभी K वन से ग्रेटर हो सकता है,
देखो कैसे, अगर मैं एग्जांपल लूँ इसमें, NS मान लो 30 है और NP भी 30 है, बराबर है, तो K कितना आ रहा है? 1। और ये 1 से अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो ये ऊपर बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। अगर मैं इसको 60 कर दूँ और NP 30 कर दूँ तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 32 से 62 आ रही है। तो मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा रहेगी नीचे वाली से, तो हमेशा आंसर क्या आता है? 1 से बड़ा आता है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है यहाँ की, अगर हमारा K ग्रेटर देन 1 है तो क्या कंडीशन बनती है? कि NS ग्रेटर रहेगा NP से और ES भी ग्रेटर रहेगा EP से। तो ES भी ग्रेटर है अगर EP से, तो इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी का EMF क्या हो रहा है यहाँ पर? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास? स्टेप अप। तो आपको समझ आना, NS ग्रेटर NP हो तब भी हमारे पास स्टेप अप है, ES ग्रेटर EP हो तब भी हमारे पास स्टेप अप है, और K ग्रेटर देन 1 हो तब भी कौन सा है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप अप। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसी में यहीं पर ही मैं इसका दूसरा स्पेशल केस कर देता हूँ कि अगर K क्या रहे, लेस देन 1 रहे तब क्या होगा? अगर देखो K लेस देन 1 है तो सोचो जरा किस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से डिवाइड का कुछ सिस्टम हो कहीं पर भी, तो लेस देन 1 कब आएगी वैल्यू? जब हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा रहे और न्यूमिरेटर कम रहे। अगर हमें 1 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो न्यूमिरेटर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन 1 वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, न्यूमिरेटर कम होना चाहिए। क्लियर है? जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो अगर मैं ऊपर वैल्यू कम रख दूँ, मान लो मैं ऊपर वैल्यू 30 रख दूँ और NP की वैल्यू 60 रख दूँ, तो देख लो जरा ये 1/2 और 1/2 कितना है? 0.5। तो ऊपर वाली वैल्यू कम रखी, नीचे वाली ज़्यादा रखी, तो हमेशा 1 से वैल्यू लेस ही आएगी, आप कुछ भी रख के देख लेना, ठीक है ना? तो अगर न्यूमिरेटर छोटा रखोगे, डिनोमिनेटर ज़्यादा रखोगे, तो हमेशा वैल्यू जो होगी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने किया, ठीक है, और ये रफ में है सब, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमें फिर कहानी समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास NS कम रहेगा और NP ज़्यादा रहेगा, और ES भी कम रहेगा और EP ज़्यादा रहेगा। तो अगर प्राइमरी का ज़्यादा है और सेकेंडरी कम है, अगर सेकेंडरी कम है तो यानी कि वोल्टेज कम हो रही है, इसका मतलब कौन सा है ये ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ ज़रा। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं हम। थर्ड कौन सा केस होगा? अगर K क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल टू 1 हो जाए। K इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, किस तरीके से आ सकता है? जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, 30/30 रखने तो 1 ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर नीचे वैल्यूज़ क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ। तो इसका मतलब क्या है, NS जो है हमारा इक्वल हो जाए NP के और ES इक्वल हो जाए EP के। तो यानी कि NS हो जाए इक्वल NP के और ES जो है इक्वल हो जाए EP के। देखो वैसे तो ऐसा होता नहीं है, देखो अगर NS इक्वल टू NP आपने कर भी दिया तो जो ES है हमारी वो थोड़ी कम ही रहती है, ES इक्वल टू EP नहीं आती। क्यों? क्योंकि बहुत से लॉसेस भी होते हैं, समझ रहे हो? लेकिन हम एक आइडियल केस अगर लेके चलें कि जो आउटपुट है वो इक्वल टू इनपुट है हमारे, तो ऑब्वियस ही बात है वो आइडियल केस है, यानी कि इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं है ऐसा। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लॉसेज होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ES इक्वल टू EP की अगर बात करें तो वो कौन से ट्रांसफॉर्मर माने जाएंगे हमारे पास? आइडियल। ठीक है ना, देखो हमेशा जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थ्योरेटिकल उस चीज़ को अगर मान रहे हैं तो हम वो कहते हैं कि एक आइडियल केस होगा। ठीक है ना, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम इसमें अगर लॉसेस जीरो कर दें तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को कि हैंस ट्रांसफॉर्मर क्या होगा इस केस में, हैंस ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, बस ऐसे लिख दो, इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। समझ रहे हो, आई समझ में कहानी? ठीक है, अब देखो इसमें मेन बात क्या याद रखनी है आपको। देखो इस चीज़ से तो आपको साफ पता चल जाता है, NS ग्रेटर NP है तो हमारा स्टेप अप है, NS लेस है NP से तो हमारा स्टेप डाउन है, और NS इक्वल टू NP है तो ये आइडियल है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ से कि K ग्रेटर देन 1 है तो हमारा कौन सा होगा? स्टेप अप। K लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन, और K इक्वल टू 1 है तो आइडियल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की? बहुत ही सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये डायग्राम अच्छे से बना लिया करो पेपर में। ठीक है, तो आधे नंबर तो डायग्राम देख के ही मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना या आपने बनाया ही नहीं है तो आप सोच लेना कि मार्क्स बहुत ज़्यादा कट होने वाले हैं आपके। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो इसे एक बार बहुत अच्छे से खुद करो। ठीक है, ये चीज़ें तो सब पढ़ने की हैं, हो जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी। ये वाला जो पार्ट है ये आप लिख के देखना एक दो बार, तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
ओके जी, थैंक यू।